नमस्कार दोस्तों, बीस यानी बॉलीवुड चलोगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना रोहित त्रिपाठी। जी हां, आज हम लेकर के आए हैं बॉलीवुड की टॉप 5 न्यूज़। जी हां, पहले शुरुआत करते हैं हेरा फेरी 3 से दोस्तों, क्योंकि हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार अब नहीं होंगे। जब ये बात सुनील शेट्टी साहब को पता चली, उनको काफ़ी अचंभा सा लगा, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अक्षय कुमार के बगैर हेरा फेरी 3 पूरी नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने ये भी कहा कि अक्षय कुमार डायरेक्टर से बात करें इस बारे में। अब बात करते हैं सलमान खान के भाई अरबाज खान के बारे में। जी हाँ, अरबाज खान अब अपनी नई फिल्म लेकर के आ रहे हैं, जिसमें काम कर रहे हैं उन्हीं के बेटे अरहान खान। जी हाँ, अरहान खान की ये डेब्यू फिल्म होने वाली है, जिसको लेकर अरबाज खान की एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा ने ऑल दी बेस्ट बोला है। अब बात करते हैं तमन्ना भाटिया की। जी हाँ, बाहुबली की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया जल्द ही कर सकती हैं शादी। जी हाँ दोस्तों, एक न्यूज़ के दौरान ये पता चला है कि एक बिजनेसमैन ने उनको शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसको तमन्ना भाटिया ने स्वीकार कर लिया है, और अब वे जल्द ही शादी कर सकती हैं दोस्तों। तमन्ना भाटिया के फैंसों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि आप तमन्ना भाटिया को दुल्हन के गेटअप में देखने के लिए कितने उतावले हैं। अब बात करते हैं अजय देवगन। जी हाँ, अजय देवगन के जो बेटे हैं युग देवगन, वो अजय देवगन के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अजय देवगन जब अपनी शूटिंग में जाते हैं तो उनके बेटे उन्हीं के साथ युग देवगन भी जाते हैं, और फिल्मों के बारे में डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ बैठते हैं और उनसे काम सीखने की कोशिश करते हैं और बारीकियां समझते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आमिर खान के बारे में। जी हाँ, आमिर खान की बैक टू बैक फिल्म फ्लॉप होने के बाद अब आमिर खान ने एक इंटरव्यू में ये साफ कर दिया कि अब वे 1.5 से 2 साल तक कोई फिल्म नहीं करने वाले। जी हाँ, आमिर खान अब कह रहे हैं कि मैं अब 1-2 फिल्में डायरेक्ट करूँगा, अब मैं 1.5-2 साल तक किसी भी फिल्म में एक्टिंग नहीं करूँगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए रोज़ टॉप 5 न्यूज़ लेकर के आया करेंगे, और आप हमें कमेंट में अपने सुझाव दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।